आज so, uh, हमने जो expect किया वही हुआ ओपन uh, हुई और आपको याद होगा कल के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ये गैप अप ओपन होएगा तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण नीचे आएगा और कहाँ तक आएगा मैंने आपको यही पॉइंट बताया था कि ये जो रेड कैंडल है ये रेड कैंडल की हाई तक आएगी और आप देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल उस हाई पे जो है बना के स्टॉप कर दी गई ठीक है तो आई होप वो समझ में आया कि एग्जैक्टली exactly हम कैसे लेवल प्लान कर रहे थे क्योंकि बहुत लोग क्लोजिंग प्राइस में निकलते हैं लेकिन आप देखोगे क्लोजिंग प्राइस में कैंडल की कोई रिएक्शन थी नहीं ठीक है तो एग्जैक्टली exactly सपोर्ट जो थी वो यहाँ पे थी तो अभी बड़ा आसान है कल के लिए कि हमको पता है कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे निकलेगी तो हम डेफिनेटली पुट में बैठेंगे टारगेट बहुत बड़ा भी नहीं है आ, करीब करीब ये फोर्टी फाइव थाउजेंड के आसपास जो है हम प्लान करेंगे आ, तो ये लेवल एग्जैक्टली exactly क्या है या देखते हैं फोर्टी फाइव जीरो फाइव जीरो के आसपास जो है अपनी टारगेट होनी चाहिए और सेकेंडली ये है कि नीचे आते समय थोड़ा सा स्लो आ भी सकता है जरूरी नहीं है कि मोमेंटम के साथ आए ठीक है एनीवेज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पहले ये बस आपको बताना था कि हम कैसे एग्जैक्ट लेवल पे मार्केट स्टॉप करती है अभी हम पार्टिसिपेंट डेटा देख लेंगे फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेंगे तो आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी बट सुबह ऑलरेडी मार्केट ने बहुत स्ट्रांग मोमेंटम करने के ऊपर और नीचे सी so, अभी में आ, इन्होंने 4, 4, 7, की करी है, में। कल इनकी फोर फोर सेवन टू थी ठीक है तो आज एक सेम टाइप ऑफ फिगर एड किया और ट्रिपल वन सेवन की शॉर्ट जो है ये इन्होंने क्लोज कर दी ठीक है जो तो कल इन्होंने 1958 शॉट ऐड किया था उसमें से ट्रिपल वन सेवन क्लोज करके ये गई सिंस आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी तो हमें क्लोज लॉन्ग क्लोज शॉट दिख रहा है सिर्फ प्रो ने कॉल कुछ शॉर्ट करी है 17983 नाइन तो कल आपको याद होगा कि उनके पास काफी पुट शॉट थी तो मैंने आपको बोला कि पुट शॉट अगर बहुत होती है तो मार्केट उनको दिक्कत देता है ठीक है तो आज देखेंगे तो लगभग सिक्स लैख सिक्सटीन थाउजेंड फोर सेवेंटी फोर की पुट शॉट इन्होंने क्लोज करी है और लॉन्ग केवल थ्री थ्री फोर फाइव नाइन वन ठीक है आ, तो अभी तो इसमें क्लोज लॉन्ग क्लोज शॉर्ट दिख रहा है तो हम ज्यादा इस पे डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे बट ओवरऑल जो है आ, यही दिख रहा है कि न्यूट्रल मार्केट थी आज आप देखोगे भले ही हम हाई से गिरे हैं लेकिन आ, क्लोजिंग कहीं ना कहीं फ्लैट थी तो कल ट्रेंड डिसाइड होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या प्लान करनी है तो ये अपन चार्ट पे आते हैं और फिर डिस्कस करते हैं तो अभी अगर हम देखेंगे बहुत लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि बैंक निफ्टी ने एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न की तरह क्रिएट करने की कोशिश की है ठीक है ये गई ऊपर और यहां से ये आई नीचे ठीक है तो कहीं ना कहीं पोलन फ्लैग पैटर्न जैसे दिख रहा है तो ये दिखने में तो है पोलन फ्लैग पैटर्न बट इसमें एक रिस्क अब बना हुआ है वो रिस्क क्या है मैं आपको बताता हूँ अगर आप इस ट्रेंड की यहाँ से जो अब ट्रेंड शुरू हुई है ये कैंडल से इस पे अगर आप एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो वो भी जीरो लेवल जो है लगभग यहीं पे कहीं आता है ठीक है मैंने लगा के चेक किया था और देखो यहाँ पे आ रहा है जो कि है फोर्टी फाइव थ्री ट्वेंटी सिक्स ठीक है मैंने एक्चुअली ये ब्रेकआउट के ऊपर से मैंने इसको लिया है अगर आप इसको यहाँ से लेंगे वो तो थोड़ा सा 176 के पास आता है लेकिन ठीक है हम यहाँ जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहां से इसको कंसिडर करेंगे ठीक है तो जीरो पॉइंट जो थी फोर्टी फाइव थ्री फोर्टी फोर के आसपास थी तो वहां से जो है मार्केट अपने आप को होल्ड किया क्योंकि उसके नीचे आप देखोगे फाइव मिनट्स की एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं कर पाया है अगर क्लोज किया भी हो तो उसमें आ, ये नहीं आता है फॉलो थ्रू तो अभी कल हमें क्या करना है देखो ये जो रेंज है ये थोड़ा सा अभी साइडवेज रेंज है ठीक है फोर्टी फाइव टू एट सिक्स थर्टी थ्री सो ऑलमोस्ट तीन सौ तीन सौ दस पॉइंट की रेंज है कल अगर हम कहीं पे भी यहाँ पे फ्लैट खुलते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि वापस एक बार यहाँ पे आए और थोड़ा सा एक उछाल मारे ठीक है तो इस उछाल में नीचे से बाइंग की प्रेशर आएगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आया था एक अच्छा पुल बैक आया सेकेंड टाइम आया तो यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम कम हो गया ठीक है तो यहाँ पे कॉल बाय आप स्कैल्प के तौर पे कर सकते हो बट अगर हम थोड़ी सी ऑप्शन चेन की मदद लेते हैं मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन चेन भी आज इसलिए ओपन रखा हूँ क्योंकि जब पोजिशन क्लोज हो गई रहती है तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर देती है तो एक तो स्मार्ट मनी का जो है थोड़ा सा बेरिश साइड में पोजीशन है लेकिन निफ्टी में इनकी बुलिश साइड में है और रिटेलर का उल्टा है निफ्टी में बैरिश है और निफ्टी में हल्का सा बुलिश है ठीक है तो मैं इसे कुछ सोच रहा हूँ कि अगर इसको नीचे जाना है तो मार्केट स्ट्रेट अवे नीचे नहीं जाएगा तो, ठीक है तो मैं पुट की पोजीशन कहाँ बनाना पसंद करूंगा वो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर समझो कि मार्केट कल फ्लैट खुलती है और एक डिप दे देती है तो यहाँ पे मैं पुट नहीं लेना चाहूंगा इसके बाद अगर एक पुल बैक आए ये पुल बैक में हम कॉल नहीं लेंगे ठीक है पुल बैक कहाँ तक जाएगा यह हमें नहीं पता मान लो कि यहाँ तक चले गया ठीक है तो यही अफसोस ही होगी कि ये कॉल की रैली हमने मिस की ठीक है कोई बात नहीं लेकिन यहाँ पे पुट की पोजिशन जरूर लेंगे उसका जो फर्स्ट टारगेट है फोर्टी फाइव फोर हंड्रेड रखेंगे और कुछ आप होल्ड करके रख सकते हो कि ये देखने के लिए कि इसको हम ब्रेक करते हैं कि नहीं ये ब्रेक होगा कि नहीं ये हमें ऑप्शन चेन में पता चल जाता है तो ये हम ट्रेडिंग में भी कवर करेंगे जो लाइव ट्रेडिंग बैच की मैंने बात की है ठीक है तो ये एक ट्रेड है कि यहाँ पे हम पुट लेंगे अगर मान लो कि यहाँ से ये यह ऊपर गया और दोबारा रिटर्न आया इसको ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ पे पुट ले लेंगे टारगेट हमारी जो रहेगी वो है फोर्टी फाइव जीरो फाइव जीरो के बाद मत होल्ड करो पुट और इसके नीचे अगर गया तो बहुत तेजी से जा सकता है बट मैं ये वेडनेसडे के दिन पे इसको उम्मीद नहीं करता हूं ऐसे क्योंकि वेडनेसडे की मूव यूजुअली पूरी ऐसी होती है ठीक है ऐसे नहीं तो एन ऐसी तो ये हमारी प्लान रहेगी अगर पुट के साइड में बैठना है तो हम या तो यहाँ पे बैठेंगे या तो यहाँ पे एक और स्विंग बना के जब ब्रेक करेगा कल तब हम पे ही लेंगे ये डायरेक्टली नीचे जाएगा ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है आप कम क्वांटिटी में पुट ले सकते हो लेकिन ऐसे लेट होने की चांसेस बढ़ जाती है और कल अगर गैप अप वगैरह खुलता है इस एरिया में तो भी आप यहाँ पे पुट ट्राई कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप यहाँ पे कहीं इसके आसपास में कहीं ऐसे रखिएगा फोर्टी फाइव सिक्स सिक्सटी के आसपास और यहाँ पे आप एक ट्राई कर सकते हो पुट का टारगेट यही रखेंगे फोर्टी फाइव थ्री हंड्रेड का पहले ठीक है और अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है आ, वेट करके देखेंगे कि ये गैप फिल करने आता है कि नहीं गैप फिल करने के बाद दोबारा अगर हमारी ये लाइन क्रॉस करता है तभी हम पुट लेंगे आ, क्योंकि वरना क्या होगा ना यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करने लगेगा और फिर बाद में भी नीचे आ सकता तो नीचे आएगा तब हम पुट लेंगे टारगेट वही रखेंगे ठीक है तो ये रही बैंक निफ्टी की प्लान तो जैसे मैंने कहा ये दिख तो रहा है पोल एंड फ्लैग जैसा लेकिन थोड़ा सा ना इसका रिट्रेसमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया जीरो पॉइंट सिक्स के लेवल तक रिट्रेसमेंट करी इसने तो अगर ये पोलन फ्लैग को सक्सेस करना है तो कल इसको आइडली के के ऊपर ऊपर गैप अप खुल के, सस्टेन करना चाहिए और ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए तो इसको मैं एक पोलन फ्लैग पैटर्न की सक्सेस मानूंगा अदरवाइज ये एक क्या बोलते हैं ट्रैप हो सकता है बुलिश ट्रेडर्स के लिए क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो आ, स्मार्ट मनी ये चाहता है कि हम बहुत लोगों को ऊपर साथ में ना ले जाए तो एक कॉल आ सकता है फोर्टी फाइव थाउजेंड के नीचे भी ताकि जो लोग भी बुलिश है वहां पे अपनी पोजीशन एग्जिट करें और धीरे धीरे ऊपर जाए एफ की पोजीशन देखेंगे फ्यूचर के मामले में तो कहीं पे भी मुझे बैरिश दिख नहीं रहा है और ऑप्शन की पोजीशन के लिए हमें कल के लिए वेट करना चाहिए अब निफ्टी बात कर लेते हैं निफ्टी ने जीरो तक का रिट्रेसमेंट दिया है तो बहुत वीक रिट्रेसमेंट नहीं है बैंक निफ्टी की तरफ लेकिन ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए तो कल अगर ये नाइनटीन सेवन करता है तो हमें ये नाइनटीन सिक्स फोर्टी तक का फॉल दिखा सकता है ठीक है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेगा तो कल अगर ये गैप अप खुलता है यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या कर रहा है अगर ये ऊपर निकल जाता है तो ऐसा होगा कि निफ्टी फिर ऊपर चलता रहेगा और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऐसा रहेगा क्योंकि आजकल मार्केट में यही हो रहा है तो निफ्टी में क्या करेंगे यहाँ पे मैं एक पुट सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद सेल हंटिंग कर भी सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे हम पुट नहीं लेंगे बट कल अगर ये गैप अप खुलने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर रहा हो तो हम चाहे तो एक पुट लेंगे क्योंकि आज पूरा दिन देखेंगे तो इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी नहीं है तो 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 ये अगर किया तो हम put definitely लेंगे। फिर बना के रखेगा, तो idea आ जाएगा। जब होगा और, और तक का प्लान कर सकते हैं ठीक है और अगर ये डाउन खुलता है गैप डाउन खुलता है तो ये ट्रेंड समझो जो बनाया इसने, ये फिनिश हो गया फिर ये क, मोर लाइक अ फ्लैग पैटर्न जैसा हो जाएगा ऑलरेडी uh, वैसे दिख रहा है तो अगर ये गैप डाउन खुल गया तो समझो कि वो पैटर्न खत्म फिर हम इसमें एक रिट्रेसमेंट और दोबारा जब सेवन वन वन के नीचे आएगा तो पुट ले लेंगे टारगेट यही सिक्स फोर्टी और सिक्स हंड्रेड ठीक है तो यही प्लान है निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा समझ में आ रहा होगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा और सपोर्ट तो चाहिए देखो डेली ऑलमोस्ट वीडियो बनाता हूँ बस ये कि लर्निंग वीडियो ज्यादा नहीं बना पा रहा हूँ उसमें कुछ पर्सनल रीजन है कि टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है बट uh, वो भी मैं रेगुलर बेसिस में अपलोड करने की कोशिश करता रहूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग केयर बाय